टाइम 720 ऑन 720 खाली दो स्टूडेंट्स को थे, दिस टाइम अनएक्सपेक्टेडली देयर आर 67 स्टूडेंट्स। नीट 2024 स्कैम। तो इंडिया में हर साल लाखों स्टूडेंट्स मन में सपने लिए हुए और अपने पैशन को फॉलो करते हुए नीट, जेईई, गेट, यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम दिलाते हैं और उनका एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है इस एजुकेशन सिस्टम पे। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो उनको उनके सपनों को पूरा करने की अपॉर्चुनिटी देता है। एक ऐसा सिस्टम जो लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के सपनों से जुड़ा हुआ होता है और उनके पेरेंट्स के उम्मीदों से जुड़ा होता है। लेकिन फिर यहीं पर नीट 2024 जैसे स्कैम्स लोगों के सामने आते हैं। 720 मार्क का पेपर है और 600 मार्क में अभी महाराष्ट्र में प्राइवेट कॉलेज भी मिलना एकदम इम्पॉसिबल टास्क, जो कि उन लाखों स्टूडेंट्स के सपनों को तोड़ते और उनके पेरेंट्स की उम्मीदों को तोड़ देते हैं। और ये कोई इकलौता ऐसा स्कैम नहीं जो इसी साल हुआ हो, हर साल ऐसे कई स्कैम्स होते हैं। कभी पेपर लीक होते हैं, तो कभी प्रॉक्सी कैंडिडेट वाले स्कैम, कभी पैसा लेकर बच्चों को पास कराने की गारंटी, तो कभी उनको टॉप रैंक दिलाने की गारंटी, फेक होल्डिंग और फेक टॉपर्स के नाम लेकर एडमिशन कराने वाला स्कैम। और इतना ही नहीं, ये जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं और जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं इनके अंदर भी अलग स्कैम चल रहा होता है। और इन सब का रिजल्ट सिर्फ एक ही होता है, लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के करियर के साथ खिलवाड़ और उन स्टूडेंट्स का सुसाइड केस, जिसको तो बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया जाता है। लेकिन आज इस नीट 2024 वाले स्कैम के कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से ये जो पूरा मामला है वो आज हाईलाइट हो चुका है। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड्स कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर वीडियोस बना रहे हैं, सोशल मीडिया इसको कवर कर रही है, जिससे आज काफी सारी स्टोरीज लोगों के सामने आ रही है। लेकिन इतना काफी नहीं है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम का स्कैम इससे भी काफी बड़ा है। तो क्या ये देश का पहला एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा स्कैम है कि आज पूरी मीडिया पहली बार एजुकेशन सिस्टम से जुड़े स्कैम को कवर कर रही है? नीट फ्रॉड, नीट पेपर लीक, नीट रिकंडक्ट, ऐसे हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं। लाखों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ये डिमांड कर रहे हैं कि इस साल के नीट के जो रिजल्ट्स हैं वो फिर से रीचेक किए जाएं। तो एक्चुअल कॉन्ट्रोवर्सी ये है कि NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसने ये अनाउंस किया था कि 14 जून को इस साल नीट के रिजल्ट्स आने वाले हैं, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट के दिन ही 4 जून को ही रिजल्ट्स आ गए, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स डिससेटिस्फाइड थे। प्रॉब्लम ये हुई थी कि जिस नीट के एग्जाम में हर साल मुश्किल से 2 या 3 स्टूडेंट्स ही फर्स्ट रैंक पर आ पाते थे, इस साल 67 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट रैंक होल्ड किया है। और इतना ही नहीं, नीट का ये जो एग्जाम होता है वो 720 मार्क्स के लिए होता है और इस साल कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि 718 और 719 मार्क्स सिक्योर कर पाए। और यही चीज है पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग थी, और इसी से उनका स्कैम भी पकड़ा गया। और इसके साथ ही कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती है इसी साल नीट के एग्जाम्स के कुछ पेपर लीक भी हुए थे और बिहार में इसके लिए 13 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। अब इस साल जितने भी ऐसे स्कैम हुए वो एक तरफ, लेकिन इनसे स्टूडेंट्स को जो इम्पैक्ट पड़ता है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नीट एंट्रेंस का एग्जाम जैसे ही आया, एक 18 साल के लड़के ने अपनी बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दे दी और ये इस साल का कोटा का 11th केस था। इसके जस्ट पिछले साल ही इसी कोटा में 26 ऐसे केस सामने आए थे जहां पर बच्चों ने सुसाइड किया था। इतना ही नहीं, बल्कि हर साल कई सैकड़ों इवन हजारों स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इकलौता ये नीट वाला एग्जाम नहीं है, बल्कि उनके पास और कई रीजंस हैं। और यहीं से फिर एक से बढ़कर एक स्कैम्स हमारे सामने आते हैं। जैसे नीट के 2021 एग्जाम में जयपुर में पेपर लीक हुआ था, फिर उसके बाद एक टाइम पे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट्स में प्रॉक्सी कैंडिडेट वाला मामला लोगों के सामने है, जहां पर स्टूडेंट्स के लिए दूसरे लोग एग्जाम दिला रहे थे। ऐसे ही कई स्कैम्स गुजरात में भी देखने को मिले, जहां पर एक टीचर 10 लाख रुपए लेकर स्टूडेंट्स की मदद कर रहा था नीट एग्जाम पास करने में। और ऐसे ही कोटा का एक और स्कैम, जिसमें एक टीचर ने 16 स्टूडेंट से 10 लाख रुपए की फीस ली थी ताकि वो स्टूडेंट्स को नीट क्लियर करा सके। और ये कुछ गिने चुने स्कैम्स नहीं है, बल्कि ऐसे कई स्कैम्स हैं। और ये सारे स्कैम्स भी एक तरफ नीट, यूपीएससी, गेट ऐसे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए स्टूडेंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और कोचिंग सेंटर्स का सहारा लेते हैं, और वहां पर भी ये स्कैम्स इनका पीछा नहीं छोड़ते। एक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट है जो कि अपना एक्सपीरियंस हमको बताती है कि कैसे इनके अंदर भी करप्शन चलता रहता है, कि कैसे वहाँ एक ग्रेडिंग सिस्टम होता है। जो स्टूडेंट्स अच्छे पैसे देते हैं उनको अच्छे टीचर्स मिलते हैं, और जो स्टूडेंट्स अच्छे पैसे नहीं दे पाते उनको लो ग्रेड वाले टीचर्स मिलते हैं। उसका ये भी कहना है कि कुछ जो सो कॉल्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूट वाले आजकल सेलिब्रिटीज बन चुके हैं, उनकी वजह से कई ऐसे लोग वहाँ पर आ जाते हैं जिनका एक्चुअल में कोई सपना या पैशन होता नहीं है, वो सीरियस होती नहीं है प्रिपरेशन को लेके, बस उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा होता है। और जिनका
फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता और जो सीरियस होते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी प्रेपरेशन के लिए, उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वहां का रेंट ही काफी ज्यादा होता है और खर्चा भी काफी ज्यादा होता है, जिसमें उनके पेरेंट्स को ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा सैलरी खत्म हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद उनको अच्छी फैसिलिटी मिल ही नहीं पाती। और ऐसे अनेकों स्कैम्स, इतने सारे स्कैम्स है कि मैं बताते हुए थक जाऊंगा और आप सुनते हुए थक जाओगे कि आज के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम में ये जो बिजनेसमैन बैठे हैं वो कितना बड़ा स्कैम कर रहे हैं और एक्चुअल में स्टूडेंट्स के सपनों के साथ और उनके पेरेंट्स की उम्मीदों के साथ कितने गंदे तरीके से खेल रहे हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अपना ओपिनियन नीचे कमेंट कीजिए।